जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको बताने वाले हैं कि YouTube पे कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। तो आप इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में और वो कैसे डिफरेंस होता है कॉपीराइट क्लेम से। तो अगर कॉपीराइट स्ट्राइक की बात करें तो स्ट्राइक यानी कि जो YouTube है वो आपको 3 स्ट्राइक के चांसेस देते हैं। तो पहला चांसेस मिलता है आपको वार्निंग, और दूसरा चांसेस भी आपको सेकंड वार्निंग। अगर आपको थर्ड स्ट्राइक आता है गलती से भी तो आपके चैनल सब्जेक्ट टू टर्मिनेटेड, यानी कि आप बैन भी हो सकते हैं, आपके चैनल भी हट जाएगा और उसके साथ जो भी एसोसिएटेड चैनल है वो भी हट सकते हैं। तो ये क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो आपको हम इसके आगे डिटेल में बताएंगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है तो आप हमारे जो पहला वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल टेक विश्वल पे जाके। तो अगर आप टेक विश्वल पे जाते हैं तो आप उसका डिटेल प्रोसेस भी जान सकते हैं कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में जानेंगे और वो कैसे अलग है कॉपीराइट क्लेम से। तो पहला बात है कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। अगर आप किसी की बड़े यूट्यूबर यानी कि जैसे हमारे ICC हो गया या फिर बड़े बड़े जितने भी जो ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन है उनके अगर कोई भी वीडियो आप ला के उठा के पोस्ट कर लेते हैं, उसका कोई क्लिप भी यूज़ कर लेते हैं 15-20 सेकंड या कोई भी कुछ भी कंटेंट यूज़ करते हैं, तो उनका पूरा हक है कि आपको वीडियो को वो कॉपीराइट स्ट्राइक भी देख सकते हैं और आपके वीडियोस को पूरी यूट्यूब से ही डिलीट कर सकते हैं और आपके चैनल पे बैन भी लगा सकते हैं। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा भी एक बार आया था कि मैंने क्या किया था ना, ICC का एक विराट कोहली का वीडियो था तो उसको उठाकर पोस्ट कर लिया था, जिसके बाद मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। कैसे, वो क्या कहते ना, मेरे वीडियो को देखकर वो वीडियो को रिमूव भी कर लिए और स्ट्राइक भी दे दिए। वो मेरा पहला स्ट्राइक था। और एक बार भी मेरा वही प्रॉब्लम हुआ था कि मैं दूसरा बड़ा यूट्यूबर का वीडियो को क्लिप काट कर पोस्ट कर लिया था, इसलिए मेरा दोबारा भी स्ट्राइक आ गया था। अभी मेरा 90 डेज़ का वो प्रोसेस चल रहा है, जब 90 डेज हो जाएंगे तब वो कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। पर ये मैंने शुरुआती में यही गलती किया था, तो अब मैं अपना खुद का कंटेंट, खुद का म्यूजिक, सारा कुछ खुद का ही यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने फंस गया था। और कॉपीराइट स्ट्राइक एक बहुत बड़ा इशू है। अगर ये आपके चैनल पे 3 बार आ गया, मेरा तो पहला आया था ICC का, दूसरा आया था एक यूट्यूबर का, अगर तीसरा आ गया कहीं पे तो मैं पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाऊंगा यूट्यूब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो आप जाएंगे www.youtube.com के साइट पे, कहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके बाद आप उसके क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे एक स्कूल हो एग्ज़ाम होगा, 4 क्वेश्चंस का एक एग्ज़ाम होगा, वो कॉपीराइट स्कूल का एग्ज़ाम है, उसको आपको क्लियर करना है। वो 4 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको मिनिमम 3 क्वेश्चंस सही करने होंगे तो आपके जो कॉपीराइट क्लेम है स्ट्राइक है वो हटेगा 90 डेज के बाद। और उसको भी मैंने क्लियर कर लिया है। जब आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो 90 डेज के बाद जब भी आपका कॉपीराइट स्ट्राइक है उसके 90 डेज के बाद वो अपने आप हट जाएगा। तो उसके बाद आप अपना खुद का कंटेंट यूज़ कर दिए, वरना गलती से भी दूसरे का यूज़ किए तो आप गए यानी कि चैनल भी गया, अपना वीडियोस भी गए, एसोसिएटेड चैनल्स भी गए, सब कुछ जाएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक इतना पावरफुल होता है और वो वर्ल्ड वाइड बैन हो जाएगा आपके चैनल। तो आप इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए ताकि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी नहीं आए। अगर आता है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेक विश्वल चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो थैंक यू। जय हिंद।